उत्तराखंड की 5 झीलों से भारी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। इन्हें पंचर करने के लिए अगले महीने जुलाई में विशेषज्ञ रवाना होंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं के अध्ययन के बाद उत्तराखंड में 13 ऐसी झीलें चिन्हित की गई थी जिन पर खतरा है। इनमें से चमोली और पिथौरागढ़ की 5 झीलें ऐसी हैं जो कभी भी तबाही मचा सकती हैं। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर इनसे सुरक्षा की दिशा में काम कर रही है। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि इन झीलों को वैज्ञानिक तरीके से पंचर किया जाएगा ताकि आपदा का खतरा ना हो, लिहाजा जुलाई में विशेषज्ञों का दल इन झीलों को पंचर करने के लिए रवाना होगा। मिटिगेशन के लिए वहाँ अगर लेक में ज़्यादा पानी होता है, बस्ट करने की संभावना बनती है, उसके लिए हम उसको डिस्चार्ज के लिए पाइप्स वगैरह डालेंगे। तो हमारी टीम जाएगी तो सबको इवेल्युएट करेगी, वहाँ पंचर करेंगे, पाइप लगाएंगे, उसमें इवेल्युएट करेगी, बैथीमेट्री करेगी, यानी लेक का कितना साइज है, कितना गहरा है, पूरा स्टडी करेगी और उसके बाद उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन और मिटिगेशन की कार्रवाई होगी। चार लेक है पिथौरागढ़ में जो कि रिस्की है, हाई रिस्क लेक कह सकते हैं, जो कि कभी आउटपोस्ट बस्ट करेगी तो दिक्कत हो सकती है डाउनस्ट्रीम में, तो उसकी भी उसके लिए एक्सपेडिशन हम जुलाई में भेजेंगे। तो 2 जुलाई से लगभग यहाँ वसुधरा में जा रहे हैं और वहाँ के लिए पिथौरागढ़ में 4 लेक हैं, उसके लिए जैसे ही ITBP की इन्फॉर्मेशन आएगी कि अब लेक मेल्ट कर गया है, अब स्टडी के लिए बिल्कुल रेडी है, तब हम प्लान कर लेंगे वहाँ भी जुलाई अगस्त में उसको भी भेज। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।